मेडिटेशन की आंगन में उतरते चले आना। थोड़ी देर के लिए तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी हो जाना, अपने भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाना। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जीवन को जगमगाते हुए जीना, अपनी आत्म ज्योत को जगमगाते हुए जीना। माइंड तक ही नहीं रह जाना, माइंड के बाहर जीवन लहलाता है, वो निरंतर जगमगाता है। उसी राह में अपनी चेतना को प्रवाहित करना, बाहर की दोनों पल के मुंदटी भीतर की ओर, थोड़ा अपने आप में रहना, थोड़ा अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जैसे बाहर का है ऐसे भीतर का हो जाना, स्वाभाविक रूप से हो जाना। ये होता है, किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप में सहज सरल साधारण होते जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। माइंड जो जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको जाके जाके देखना। विचारों की गति, विचारों की भीड़, तो हम जाके जाके देखना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, माइंड का मैजिक, तुम जाके जाके देखना। माइंड को सीधा सीधा देखना, माइंड को ही देखना, माइंड के स्वभाव को देखना। देखना हमारा स्वभाव है, ये क्रिया नहीं, कोई टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। बाहर देखते देखते थोड़ा भीतर की ओर देख लेना, अपनी ओर देख लेना, अपनी को देख लेना, अपने माइंड को अच्छी तरह समझ लेना, इसके स्वभाव को तुम पहचान लेना। डुअलिटीज, द्वंद्व, दुई, द्वैत इसका स्वरूप है। अधिकतर पास्ट में रहता है, अधिकतर नेगेटिव है। आप इस मेडिटेशन के प्रोसेस में इस सच्चाई को अच्छी तरह से स्वयं अनुभव करोगे, आपको सर्वप्रथम भीतर की जीवन यात्रा पर ईगो, अहम, अहंकार से मिलन होगा। अंधेरों के पश्चात माइंड से मिलन होगा। ये जीवन की राह, ये जीवन की यात्रा पर इसकी तमाम नेगेटिविटीज का तुझे स्वयं अनुभव होगा। जब तो जागे जागे रहेगा थोड़ी देर,
मेडिटेशन के प्रोसेस में, मेडिटेशन के समय आपने कुछ नहीं करना, किसी प्रकार का भी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, किसी तरह की भी एक्सरसाइज नहीं करना। अर्थात थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना, आपका सिमरन, आपका जाप अपने आप चलता है, अब उसको करने की जरूरत नहीं। थोड़ा विश्राम देना अपने जाप अपने सिमरन को, उसे स्वतः चलने देना, तुम देखने वाले हो जाना। बहुत किया तूने, बहुत किया, बड़ी परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया तूने, बहुत करके देखा किंतु कुछ बना नहीं। भीतर कहीं कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस, कहीं कोई इंप्रूवमेंट, पुनः पुनः मन के हाथ चले जाते हैं हम। थोड़ी देर के लिए हिप्नोटिज्म आता है, फिर वही के वही हो जाते हैं हम। कोई परिवर्तन नहीं हमारे स्वभाव में, कोई तब्दीली नहीं कहीं, कोई भी पॉजिटिविटी का। सकारात्मक स्थिति का अनुभव हाथ नहीं लगता। परंतु अगर तुम थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, अकर्ता हो जाइए, नॉन डूअर हो जाइए, केवल देखने वाले दृष्टा साक्षी हो जाइए, तुम अपने शिव नेत्र से, थर्ड आई से, अपने स्वभाव से थोड़ा कनेक्टेड हो जाइए, ये कनेक्शन तुझे अमृतस्य बना देगा। अपनी प्यास में डूबते चले जाना, और कर विचारों की भीड़ है, विचारों की ट्रैफिक है, विचारों की आवाजाही है, विचार ही विचार है, थॉट्स ही थॉट्स हैं, मोस्टली अननेसेसरी है, उन सब को देखने वाले हो जाना। बहुत बड़ी शूरवीरता है अपने को देखना, अपने भीतर अपनी ओर जागे जागे देखना। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हेरी छाई, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ, गुरुवर तुझे रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हेरी छाई, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हेरी छाई। Thank you.
हम पतित हैं, लोभी है लालची है, निश्चय ही हम पतित हैं। कोई दो राय नहीं, माइंड के हाथों लगा हुआ इंसान सदा स्वार्थी है। वो पुरुषार्थ भी कमाता है तो स्वार्थ के लिए, वो पुरुषार्थ भी करता है तो अहम अहंकार को भरने के लिए। कितना खुल करके बोलते हैं दीवाने प्यासे प्रभु की, सच्चाई घोलता है, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। तुझ मालिक के द्वार पर हम अपनी पोटली खोलते हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है। अर्थात माइंड आड़े हाथों ले लेता है, मन ही माया, रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद माया नहीं है, माया अपना माइंड है, अपना मन ही माया है, मन ही माया। जब जब प्रभु ध्यान में, तेरे ध्यान में मालिक, तेरे दर्द में, तेरी प्यास में बैठते हैं, तेरे ध्यान में, तेरी सुरति में, तेरी याद में बैठते हैं, ये माइंड हमारे सारे ध्यान को तोड़ देता है, खंडित कर देता है। ये माइंड, ये मन तनिक मात्र भी तेरी ओर बढ़ने नहीं देता। वो कहता है धर्म कर्म कर, बाहर बाहर कर, पूजा पाठ सिमरन जाप कर, बाहर बाहर कर, हवन यज्ञ सिमरन कर, बाहर बाहर कर, तीर्थ गमन कर, बाहर बाहर कर, मैं राजी हूं तू बाहर बाहर कर। क्या गजब है माइंड, मन ही माया, मन ही माया। वो बाहर से आया है, बाहर रहता है, बाहर ले जाता है, बाहर से निर्मित होके आया तो बाहर से ही जुड़ा रहता है, बाहर ही उसका स्रोत है। इसलिए तू जो जो भी बाहर करता है उसमें राजी है, तू करता है पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ, कोई कमी नहीं छोड़ता, इतना परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है, इतना टाइम, इतना समय लगाता, किंतु माइंड राजी, वो बाहर बाहर हो रहा है, भीतर उसका कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो भी साधन करते हैं उसके बदले में संसार मांग रहा है, ये माइंड का खेल चल रहा है, उसके बदले में संसार ही मांग रहा है, तो ये माइंड ही तो है, यही तो माया है। हमारी पूजा में हमारा कोई प्रेम नहीं, हमारे सिमरन जाप में, हमारी तीर्थ गमन में, हमारी यात्राओं में, हमारे हवन यज्ञ में कहीं कोई प्रेम नहीं, प्यास नहीं मालिक के लिए। ये तमाम साधन हमको साध्य तक पहुंचाते हैं, बशर्ते कि ये प्रभु को रिझाने के लिए हो, उसको चाहना, अपने स्वभाव की स्थिति में, अपनी प्यास दर्द दीवानगी में उतर करके उसको चाहना, उससे प्यार करना, गॉड लविंग इंसान बनना, गॉड फियरिंग नहीं बनना, गॉड लविंग बनना। और जो गॉड लविंग होते हैं वहां नेगेटिविटी तनिक मात्र भी स्टे नहीं कर सकती, वहां सदा प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, मोहब्बत का नगमा गूंजता है, वहां सदा आनंद ही आनंद बरसता है, वहां सदा सदा सुखद अवस्था तेरे हाथ लगती है। फिर तुझे स्वयं अनुभव होता है चारों तरफ इस जगत में क्या है, क्या है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, सुख भोगने की इच्छा
सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, हर पल रहे सताए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो तेरी जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो तेरी जाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है, जलसी जलसी है, हर ओर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है, हर ओर अहंकार अभिमान की ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है, जलसी अपने को भी जलाती है और जिसके प्रति की जाती है उसको भी जलाती है, दोनों ओर का दो मुहा सांप है यह द्वेष ईर्ष्या। एक केवल थोड़ी सी आंख भीतर रख करके देखोगे तो सब अपने में भी मिलेगा, दूसरों में भी मिलेगा, अपने में भी ईर्ष्या द्वेष का अंधेरा मिलेगा, दूसरे में भी मिलेगा। अपना दूर कर लेने से ही कल्याण होगा, अपना दूर कर लेने से ही कल्याण होगा। हमें दूसरों का अहंकार दिखता है, अपना नहीं दिखता, दूसरों की ईर्ष्या द्वेष दिखती है, अपनी नहीं दिखती, दूसरों का मातश्रय दिखता है, अपना नहीं दिखता, दूसरों के अंधेरे दिखते हैं किंतु अपने नहीं दिखते। हम दूसरों के दर्पण में दूसरों को देख देख करके न जाने कितने कटाक्ष करते हैं, परंतु अपने दर्पण में कभी हमने देखा नहीं, ये दुर्भाग्य है जीवन का, यही एकमात्र महापाप है जीवन का, अत्यंत निर्दयी जीवन है यह, अपना देखा नहीं और दूसरों पे कटाक्ष करने लगे। जो अपना देख लेते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपने आप को जगमगा लेते हैं, अपने आप में अपने आप से मिल लेते हैं, वो कभी कटाक्ष नहीं करते, वो कल्याण भाव में उतर करके बहुत थोड़ा कड़वा तो बोल लेते हैं, कठोर बोल लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर कंपैशन है, उनके भीतर करुणा है, दया है, वो थोड़ा कठोर तो हो लेता है किंतु उनकी कठोरता में भी करुणा है, वो कल्याण भाव से बोलते हैं, कल्याण भाव से बोला हुआ भी लोग उसको कंडामनेशन क्रिटिसिज्म नेगेटिविटी का रूप ले लेते हैं, नहीं, थोड़ा सा भी अपने भीतर की आंख रखने वाला इंसान कुर्बान हो जाता है उनकी कठोरता पे, कुर्बान हो जाता है उनके कल्याण भाव पे, वही समझ पाता है, वही जान पाता है जिसके भीतर थोड़ी सी प्यास है, वो जागे पुरुषों की कठोरता कल्याण के रूप में लेता है। थोड़ी सी भी आंख भीतर जगती है तो तुम्हें यही अनुभव होगा, चारों तरफ तुम देख लेना, अपने आप चाहो और देख लेना, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक
दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा। हेयर इज गीता, मैसेज ऑफ गीता। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, कोई समझ ना पाए इस योग्य हम कहाँ हैं। प्रभु वर तुम्हें बिछाए इस योग्य हम कहाँ हैं। प्रभु वर तुम्हें बिछाए फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए इस योग्य हम कहाँ हैं। प्रभु तुम्हें जाए प्यारे बंधु, जब कभी भी तेरे को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की नेगेटिविटी पकड़े, जब कभी भी ये अवगुण ये विकार तुझे पकड़े, इनका इलाज नहीं करना। कभी नहीं कहना किसी भी बाबा के पास जाकर के, कभी नहीं कहना प्रभु के द्वार पर जाकर के, गुरु के द्वार पर जाकर के, कभी नहीं कहना कि महाराज मेरा क्रोध कम कर दो, मेरा लोभ कम कर दो, मेरा मोह कम कर दो, मेरा अहंकार बहुत है, बहुत अहंकारी हूं, बहुत अभिमानी हूं। ऐसा नहीं, ये सब लक्षण है एक ही स्थिति के कि हम बहिर्मुखी हो गए हैं। हम जितना जितना बहिर्मुखी हैं, हम सदा के लिए बहिर्मुखी हैं, हम सदा ही बहिर्मुखी हैं, सदा ही हम एक्सट्रोवर्ट हैं। हम तो प्रभु के द्वार पर भी संसार ही मांग रहा है, हम उसकी भक्ति में भी भोग ही मांग रहा है, हम तो उसकी पूजा पाठ में भी पदार्थ ही मांग रहा है। बहुत गजब है इंसान। प्रभु के द्वार पे जाएगा, प्रभु को ही मांगेगा, किंतु धीरे 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 फिर अपनी मांगे रखता जाएगा। और कितना सुंदर कहता है, तन मन धन सब तेरा। आरती रोज करते हैं हम, तन मन धन तेरा किंतु कब्जा रहे मेरा। प्रभु है तो तेरा किंतु तू लेने पे ना आना, तू हरी कहलाता है, चोर कहलाता है, महाचोर कहलाता है, किंतु लूटने ना आना, बल्कि और देने आना। गर आवता वो हरी कमाल का गजब का है, वो सब कुछ चुरा लेता है, सब चुरा लेता है जो अपना नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है एक दिन मौत के हाथ लगते ही, वही तो चुराता है। किंतु वो चोर गजब का है, वो केवल चुराता ही चुराता नहीं, किंतु वो देता भी है। अद्भुत अद्वित्य अनमोल खजाना देता है। वो लेता वो है, चुराता वो है जो अपना नहीं, और देता वो है जो सदा सदा से अपना है। वो दाता भी है, वो चोर भी है, वो दाता भी है, वो दोनों है। जिसने उसको अपना बनाया, अपने भीतर धारण किया, आपने आप में उतारा, उसका जो हो गया, जिसने उसको मांगा, वह दुनिया में कभी भी गरीबड़ा नहीं रहा, दरिद्र नहीं रहा, वो कभी मनोरोगी नहीं हुआ, वो कभी भी हृदय रोगी नहीं हुआ, वो कभी भी हार्ट पेशेंट नहीं हुआ, वो कभी भी अनिद्रा की अंधेरी में नहीं गया, वो कभी भी
दुख पूरण नहीं जिया, सुख पूरण जिया। ये चुनाव तेरा है, हक तेरा, अधिकार तेरा है, तू जो मर्जी कहो। तो आरती में रोज कहता है तन मन धन तेरा, बड़ी सिंसरिटी दिखाता है, किंतु अगर वो लेने पे आए तो फिर तो कैसे रो रो करके शिकवे शिकायत करता है। कितनी इनसिंसरिटी है यार, तुझ बिन होर जे मंगना, सब दुखां दे दुख, और फिर मांगते भी जाते हैं। को मांगना बुरा नहीं, प्रभु से ना मांगे तो किससे मांगे। हम आज बता दें आपको, मेडिटेटर्स होकर अगर तुम उसके प्यासे दीवाने हो, तुम दुनिया से मांग लेना, दाएं बाएं से मांग लेना, मित्र संबंधियों से मांग लेना, चाहे कितनी शर्म आए तो मांग लेना, किंतु प्रभु से ना मांगना। अपने प्रीतम, अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने प्रभु से ना मांगना। अगर मांगना तो उसी को मांग लेना, उसी को वर्ण कर लेना, उसको चाह लेना, गॉड लविंग होना। कमी नहीं रहेगी, हम तुम्हें गारंटी देता है। कहीं कमी नहीं रहेगी। जिस दिन तूने प्रभु से प्रेम लगाया तो सारी प्रभुताई का मालिक होता जाएगा, तो देने लायक होगा ना कि मांगने लायक होगा, तो मालिक होगा। घर मांगा तो मस्ती गायब, अगर तूने मस्ती चाहा तो मालकियत मिलेगी। मस्ती ही मस्ती, जलवा ही जलवा छलकेगा, चाहो और कमी नहीं रहेगी। तू क्षुद्र मत मांगना, तो विराट से विराट को ही मांग लेना। ये तेरी एकमात्र प्रूडेंस, विजडम, विवेक होगा, हंस बुद्धि है यह, तनिक मात्र कमी नहीं रहेगी। इस योग्य हम कहाँ प्रभु, और तो मेरी जान। अभी तो माइंड को ही रिझाने में लगे हैं, तो जो मालिक को तो हमने कभी रिझाया ही नहीं। और जो माइंड को रिझाने में लगते हैं वो गॉड फियरिंग है, और जो प्रभु को रिझाने में लगे हैं वो गॉड लविंग है। ये कैसी कसक तूने हमारे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक 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 कसक, ये कैसी कसक तूने हमारे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक तूने हमारे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक 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 कसक, ये कैसी प्यास तूने हमारे दिल को लगा दी है, ये कैसी प्यास तूने हमारे दिल को लगा दी है। किसने भी हमें लूटा उसे जी भर दुआ दी है, किसने भी हमें लूटा उसे जी भर दुआ दी है, ये कैसी कसक तूने हमारे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल को।